नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। 19 फरवरी का दिन अच्छा रहेगा, आकस्मिक धन लाभ के योग रहेंगे, पुराने निवेश, पुराने दोस्तों या संबंधों से लाभ मिल सकता है, शेयर और प्रॉपर्टी में निवेश से अच्छा मुनाफा होगा, नौकरी में स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, घर परिवार की भी समस्या रहेगी, साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा मिलने के योग है, हल्के विषयों की पढ़ाई में मन लगेगा, छात्रों को अच्छी सफलता मिल सकती है, सेहत अच्छी रहेगी, परिवार का माहौल सुखमय होगा। और अब बात करते हैं वृष राशि की। कठिन परिश्रम से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ के योग रहेंगे, व्यवसाय में सोच समझ कर लिए गए निर्णय लाभदायक रहेंगे और योजनाएं सफल होगी, धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं, कारोबार या दफ्तर से जुड़े काम को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं, सेहत का ध्यान रखें, अधिक परिश्रम से शारीरिक और मानसिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे, इसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है, दोस्तों की अनदेखी ना करें। वृष के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर होने की संभावना रहेगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा, नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति हो सकती है, दूसरों के काम में दखल ना दे परेशानी में पड़ सकते हैं, दौड़ धूप करने पर थकान महसूस होगी, परिवार में कलह भी हो सकती है। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की और जानेंगे 19 फरवरी का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। 19 फरवरी का दिन सामान्य रहेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र और बिजनेस में अचानक फायदा हो सकता है, लेकिन सोच विचार कर निर्णय लेने की आवश्यकता है, कुछ मामलों को लेकर मन में भ्रम और अनिश्चितता का माहौल रहेगा, प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद रहेंगे, छोटी परेशानियों का मुकाबला करेंगे तो सफलता आवश्यक मिलेगी, यात्रा सफल रहेगी, पार्टी और पिकनिक का आनंद मिलेगा, विद्यार्थियों के समय अच्छा रहेगा, सेहत को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। कारोबार में आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, नौकरी में तरक्की मिल सकती है, अपनी काबिलियत से कठिनाइयों से बाहर निकल सकेंगे, कार्यशैली में सुधार होगा, व्यापार में पुराने निवेश में लाभ प्राप्त होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, बेवजह किसी से तर्क वितर्क ना करें, अन्यथा विवादों में फंस सकते हैं, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, जीवन साथी से सहयोग प्रसन्नता देगी, मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। और अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानेंगे 19 फरवरी का दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा, काम के नए अवसर प्राप्त होंगे, यात्रा का योग भी बन सकता है, नई योजनाएं लाभ देगी, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान करा सकते हैं, परिवार में विवाद होने की संभावना है, परिजनों से बहस भी हो सकती है, स्टूडेंट्स को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मौसमी बीमारी हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। कार्य क्षेत्र में थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है, व्यवसाय में दूसरों पर निर्भर नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए कठिन परिश्रम से स्वयं अपने कार्यों को निपटाए, सहयोगियों से मदद ले सकते हैं, निवेश का कारोबार लाभदायक रहेगा, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव हो सकता है, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, परिवार का माहौल भी सुखमय रहेगा, यात्रा पर जा सकते हैं। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की और जानेंगे 19 फरवरी का दिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कारोबार मध्य रहेगा, शेयर बाजार से लाभ मिलने की संभावना रहेगी, मेहनत से कार्यों में सफलता मिलेगी, नया निवेश करने से बचे, पुराने निवेश से लाभ मिलेगा, विरोधी शांत होंगे, कार्य की गति बनाए रखे, फालतू चिंता से बचे, पार्टनर की मदद से धन लाभ हो सकते हैं, नौकरी पेशा लोग विरोधियों से परेशान रहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, सेहत भी थोड़ी ठीक रहेगी, पुराने रोगों में आराम मिलेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि की।
व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। कारोबार विस्तार की नई योजना बना सकते हैं, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, नए व्यापारिक संबंध बनेंगे, निवेश से बचे, स्टूडेंट्स की मेहनत के बावजूद कम परिणाम मिलेंगे, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परिवार का माहौल सुखमय रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कानूनी अड़चन दूर होगी, किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस करेंगे। और अब बात करते हैं धनु के बाद मकर राशि की। 19 फरवरी का दिन सामान्य रहेगा, नौकरी और बिजनेस में अचानक बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, काम में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, नए काम में अवसर मिलेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक रहेगी, व्यवसाय मंदा चलेगा और व्यय बढ़ेगा, कुछ कामों में फालतू पैसा भी खर्च हो सकता है, क्रोध की अधिकता परेशानी में डाल सकती है, पार्टनर्स के साथ अच्छा समय बीतेगा, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, सेहत में मामूली उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कारोबार में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, दिया धन वापस मिल सकता है, निवेश से अच्छा लाभ होगा, परिश्रम से किए गए कार्यों में सफलता होगी, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे जिससे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, सेहत थोड़ी नासाज रह सकती है, बोलचाल स्वभाव और चिड़चिड़ाहट पर काबू रखें, कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति बन सकती है, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, जोखिम लेने से बचें। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। अचानक लाभ के योग बनेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी से लाभ होगा, नई योजनाएं लाभ देगी, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें, सोच समझकर काम करें, अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें, क्रोध की अधिकता रहेगी, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, परिवार के साथ घूमने फिरने में समय बिता सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।